हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनजी व्लॉग डीएनएच एनडीडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सीरीज का चार धाम यात्रा का एपिसोड 8वां है और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था एपिसोड 7 में कि ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे और आज है 22 मई 2023। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग सोनप्रयाग से कुछ 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही है और रोड की हालत भी ख़राब है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अभी धीरे धीरे। शाम के बजे हैं, शायद शाम भी नहीं है, 2 या 2:30 बजा है अभी, फिर भी बहुत तेज़ बारिश है यहाँ पे और बारिश भी बर्फ़ की बारिश है, लेकिन इसमें इतना पता नहीं चल रहा है। आगे अभी आपको बताते हैं कहीं पे ऐसा बर्फ़ दिखाई देता, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से बस के ऊपर आवाज़ हो रहा है हमारे यहाँ पे। ये साइड में दिखाई दे रहा है हल्का सा बर्फ, जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे अगर अच्छे से क्लियरली दिखाई दिया तो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वाइट वाइट, और आवाज़ कितनी ज़ोर ज़ोर से आ रही है, डब डब खटखट की, इससे आपको पता ही चल गया होगा। और आगे सामने गाड़ी पे भी आप देखिए स्विफ्ट के ऊपर कितनी बर्फ़ गिरी है और रोड पे भी कितनी बर्फ़ गिरी है। ऐसा लग रहा है जैसे नमक गिरा हो, लेकिन यह बर्फ़ है। बहुत ही शानदार नज़ारा है और ठंडी ठंडी हवाएं भी बहुत मस्त बह रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश का मौसम यहाँ पे आ गया है, लेकिन अभी मई का महीना चल रहा है। अपने वहाँ पे तो अभी बारिश का नामो निशान नहीं है और यहाँ पे इतनी बारिश शुरू हो गई है, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं। इसके लिए तो कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी आप आओ, हर मौसम में आपको हरियाली और खुशनुमा मौसम ही मिलेगा। बहुत ही बढ़िया मौसम है, एक बार ज़रूर आइए आपकी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो पिछली वीडियो ही कंटिन्यू हो रही है। हम लोग गंगोत्री से निकले थे और अभी जा रहे हैं केदारनाथ, लेकिन कोई भी व्यू हम छोड़ नहीं सकते थे, इसके लिए वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम लोग ने छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको हर एक चीज़ देखने को मिले, कुछ भी छूटे ना। आज बहुत दिनों बाद रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो में जो भी इस बार नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरी चैनल एनजी व्लॉग डीएनएचएनडीडी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं जो लोगों को देखने को आसानी से मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग केदारनाथ आने का प्लानिंग कर रहे हो तो अभी जो पीछे बिल्डिंग वगैरह गए, ये सब पार्किंग यहाँ से शुरू हो जाती है, होटल वगैरह सब कुछ 10-15 किलोमीटर पहले से ही। यहाँ से भी आप रुक सकते हैं और आगे भी बहुत है, बहुत रुकने की व्यवस्था है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ आए आपको रहने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा ढूँढना पड़ता है, लेकिन बहुत मिल जाती है। थोड़ा पहले रुक जाओ तो बहुत बढ़िया, और जितना सोनप्रयाग के नज़दीक जाओगे उतना थोड़ा महंगा मिलेगा और कॉस्टली पड़ेगा और पार्किंग वगैरह की समस्या हो सकती है, तो कोशिश करें थोड़ा पहले रुके और फिर सवेरे ड्राइवर को बोलिए कि आपको वहाँ तक सोनप्रयाग तक छोड़ के आ जाइए।
ये रोड के आजू बाजू में जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है ये सब के सब यहाँ केदारनाथ के बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन जहाँ पे रुके हैं वहाँ पे पार्किंग है नहीं, तो जहाँ पे पार्किंग मिला वहाँ पे अपने गाड़ियाँ लगा के ये वे लोग दर्शन के लिए निकल चुके हैं। यह गाड़ियाँ यहाँ पे तीन तीन चार चार दिन तक यहीं पे खड़ी रहती है अपनी गाड़ी, और ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबकी सब गाड़ियाँ तीन तीन चार चार दिन तक यहीं पे खड़ी रहती है। यह ऐसी लाइन कम से कम 10-12 किलोमीटर तक है, और यहाँ से सवेरे लोग पैदल निकल जाते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, और यहाँ से 10-12 किलोमीटर पैदल और वहाँ से 24 किलोमीटर पैदल, तो सोचो तीन चार दिन तो होना ही होना है। तो आप अपनी सेफ्टी बना के आए तो बहुत बढ़िया है। बाबा केदारनाथ की जय। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं और पहुँच के मिलते हैं वहाँ पर डायरेक्ट होटल पे। जय बाबा केदारनाथ। तो भाई मौसम ख़राब, ऊपर से रूम मिलना मुश्किल। अभी रामपुर में है, सोन प्रयाग से कुछ 1-2 किलोमीटर की दूरी पे, और सीतापुर से नहीं, सोन प्रयाग से 3 किलोमीटर और सीतापुर से 1 किलोमीटर। देखो रोड पे बैग जो सिट्टे जा रहे हैं, एक रूम मिला है। अभी जैसे तैसे करके, और जाम तो आपने देखा कितना है, बहुत लोग यहाँ बिना रूम के भटक रहे हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन रूम का आपके पास नहीं है तो संभल के आइए भाई। तो फाइनली रूम ले लिया रामपुर में, सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर पहले और सीतापुर से 1 किलोमीटर। यहाँ से कल सवेरे ड्राइवर हमको छोड़ के आ जाएगा सोनप्रयाग तक, फिर वहाँ से पैदल। लेकिन आते टाइम हमको वहाँ से यहाँ पैदल आना पड़ेगा। 3 बेड के भाई 4 रूम लिए हैं और एक रूम पड़ा है पूरे 2500। लेकिन हमने डिस्काउंट करा कि कितने में गिराया, 2100 में। और कैसा रूम है ये चकाचक। ये बैग सब लगेज ये है, और ये इंग्लिश टॉयलेट। और ऐसा नहीं है सबसे कि ये रूम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रूम नहीं मिलता, मिल जाता है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है रेट में, आपको कर लेना पड़ता है ऐसा। मैक्सिमम आपको 2-2500 में तो रूम मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं, लोग बोलते हैं कि नहीं मिलता, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रूम बुक करो, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आसानी से, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत। कमीशन दो तो कोई भी ढूंढ लेगा, ऐसा है यहाँ पे। हमारे साथ भी यही हो रहा है, लेकिन मिल रहा है टाइम पे तो कोई बात नहीं, 100-200 जाएंगे चलेगा, लेकिन हर रात सोने को मिल रहा है, वो इतना काफी है। तो भाई बराबर ना। ये देखो भाई जाम, जहाँ पे हम रुके, और बारिश। ये देखो बारिश भी, हल्की हल्की बारिश। और हम लोग रुके हैं कहाँ पे, देखो रामपुर में। और अपने होटल का नाम क्या है भाई, क्या नाम है? शिखर होटल, शिखर होटल, शिखर होटल। हेलो, ओके। सो फ्रेंड्स, अपनी सीरीज चल रही है चार धाम यात्रा, और आज है डे 4। एपिसोड कौन सा है वो देखना पड़ेगा। अभी पूरा दिन का हमने आपको व्यू दिखाया। हम लोग निकले थे कहाँ से भाई, निकले थे अपन? नहीं, गंगोत्री, गंगोत्री से।
सो फ्रेंड्स, हम लोग निकले थे गंगोत्री से, लेकिन बीच में एक स्टॉप हमने लिया था, एक नाइट बीच में कहीं और रुके थे। फिर आज हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा रामपुर केदारनाथ में, और यहां से सवेरे 2 बजे हम लोग निकल जाने वाले हैं ट्रैकिंग के लिए। तो मिलते हैं। तीन बजे ऐसा, लेकिन 2 बजे जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ताकि जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आसानी से भीड़ कम रहेगा। थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, हो सकता है बारिश भी ना मिले। बैग वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है, और एक दो लोग अभी भी कर रहे हैं इक्का दुक्का, और इन दो भाई साहब ने तो कर लिया भाई। कर लिया। ओके, तो पैक कर रहा हाँ, हूँ। वो कर रहा है। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल से नया एपिसोड शुरू करेंगे। केदारनाथ धाम, बाबा बाबा केदारनाथ के लिए स्पेशल एक एपिसोड बनाएंगे हर हम। हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। हर हर महादेव, उसके एपिसोड बनाएंगे कल के लिए। थोड़ा हो सकता है लंबा भी हो, लेकिन देखना, इंटरेस्टिंग रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और मेरी चैनल एनजी व्लॉग DNHNDD को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन पे उंगली दबा दे ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखे। चार धाम की यात्रा का संपूर्ण व्यू हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। गुड नाइट।